सारंगपुर ना राजा कौन? जी हाँ, एकमात्र हनुमान दादा। आपने सब हनुमान प्रिय हनुमान भगत छे, एमा कोई बेवात नथी। परंतु जारे हनुमानजी नी वात आवे त्यारे स्वाभाविक रीते गुजरातीओ सौथी पहला कई याद करे तो ते होय छे सारंगपुर मंदिर। जी हाँ, आपने बता दीधुं के 54 फूटनी भव्य मूर्तिनुं मुखारविंद हनुमानजी मंदिर खाते पहोंच्युं छे। पंचधातुथी तैयार कराई छे आ प्रतिमा अने संतो द्वारा भव्य स्वागत पण करायुं छे। सुप्रसिद्ध सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर में 54 फूटनी बनी रहेली मूर्तिनो मुख आवता वाजते गाजते भव्य स्वागत करवामां आव्युं। संतो अने महंतो द्वारा मुखारविंदनी पूजा करवामां आवी हती अने आगामी दिवसोमां अहीं हनुमानजीनी भव्य मूर्ति निर्माण पामशे, जेमां तमने 7 किलोमीटर दूरथी दर्शन थशे। 30,000 किलो वजन अने पंचधातुनी आ मूर्ति हरियाणाना गुरुग्राममां बनी रही छे। त्यारे किंग ऑफ सारंगपुर प्रोजेक्ट अंतर्गत आ मूर्ति सारंगपुरनी शोभामां वधारो करशे। मंदिरनी पाछळ कुल 1,35,000 स्क्वेर फूट विस्तारमां आ प्रोजेक्ट आकार लेवा जई रह्यो छे। सारंगपुर कष्टभंजन मंदिरमां किंग ऑफ सारंगपुर नामनो प्रोजेक्ट चाली रह्यो छे, जेमां मंदिर विभाग द्वारा अहीं 54 फूटनी विशाल पंचधातुनी मूर्ति मूकवानी कामगीरी चाली रही छे। आ मूर्ति हरियाणा खाते बनी रही छे, जेने अलग अलग पार्ट सारंगपुर आवी रह्या छे। त्यारे आजे मूर्तिनो मुख सारंगपुर खाते आवी पहोंचता मंदिरना शास्त्री हरिप्रकाश स्वामी, कोठारी विवेक सागर स्वामी सहित अन्य संतो अने महंतो द्वारा भव्य स्वागत करी पूजा विधि करवामां आवी। डीजे ना ताले वाजते गाजते मुखनो स्वागत करवामां आव्यु। अहीं हाजर रहेला हरिभक्तो पण डीजे ना ताले झूमी उठ्या हता अने समग्र माहौल भक्तिमय बनी गयो हतो। आगामी दिवसोमां अहीं मूर्तिनुं संपूर्ण निर्माण थशे, त्यारे કાળી ચૌદશના દિવસે હનુમાન ભક્તિની પણ એક આગવું મહત્વ હોય છે। ત્યારે જોવાનું રહેશે કે સારંગપુરમાં આ બનેલું મંદિર કઈ હદે વિશ્વ પ્રખ્યાત થાય છે અને કેટલા લોકો તેમના દર્શન કરી તેમની ધન્યતાનો લાભ લઈ તેમના આશીર્વાદ મેળવવામાં સફળ થાય છે।